हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस डिफेंस अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड आई होप यू गाइस आर रियली प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन टू क्रैक योर एग्जामिनेशन एंड अचीव योर गोल। सो बच्चे, इन दिस मिशन इंग्लिश, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। इन दिस मिशन आई एम टेकिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन। ओके, सो माई नेम इज आंचल शर्मा और आप मुझे अब जानती ही हैं। तो हम अब इस मिशन में एक फोर्थ लेक्चर पे पहुंच चुके हैं जिसमें वी हैव टू प्रोसीड अहेड विद प्रोनाउंस टॉपिक, क्योंकि अभी तक हमने नाउंस और प्रोनाउंस कवर कर लिए हैं। थ्योरी और द रूल पार्ट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। ठीक है, तो आज हम रेस्ट पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और द रूल्स प्रैक्टिस करने हैं, जो प्रोनाउन बेस्ड एरर्स आ सकते हैं, वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। जो प्रोनाउंस पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज मोस्टली कवर्ड इन ऑल द एग्जामिनेशंस। और अगर मैं सीडीएस की बात करती हूं तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया जाता है। ठीक है, सो अगर एनडीए की बात करती हूं तो प्रोनाउंस में से स्पॉटिंग एरर्स बच्चे आएगा ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन आप इस टॉपिक से देखोगे ही देखोगे। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। एज फार एज प्रोनाउंस आर कंसर्न, अभी तो हमें पता है कि ये प्रोनाउंस का टॉपिक है, तो वी कैन यू नो इजीली रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट। होगा क्या, व्हेन ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड और आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल बी एबल टू डिटेक्ट द एरर। कि हमें, मैं आपको ये सिखाऊंगी कि एक सेंटेंस को आपने पकड़ना कैसे है। I'll teach you how to look at the sentence, क्या लाइक देर विल बी कंक्लूजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर through which you'll be able to make out कि error subject में है, related verb में है, कोई particular pronoun में है, या adjective या adverb related error है। क्योंकि हम एक नया topic करेंगे, that is subject verb agreement, जिसमें maximum of things can be you know summarized in that topic। ठीक है, so the first topic is, first question is, the master did not know who of the servants broke the glass। yes, हाँ जी, सो मास्टर, बात चल रही है मास्टर की और एक पास्ट टेंस में सेंटेंस है, डिड नॉट नो। ठीक है, बिल्कुल डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इस पार्ट पे भी मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है। हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, ब्रोक बिल्कुल ठीक है, वो वी टू लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि पास्ट टेंस में सेंटेंस है, तो वी टू लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स या तो नो एरर होना चाहिए या फिर एरर इस पार्ट में होना चाहिए। Now, there are many servants, ठीक है, तो जब servants में से एक को choose करना है, एक को choose करना है, तो बच्चे relative pronoun who नहीं which use होगा। अगर आपको बहुत सारे में से एक को choose करना है तो relative pronoun who नहीं which use होगा। It is as the sentence refers to a choice among more than two persons, which will be used in place of who. ठीक है, next one. The ruling party stood for implementation of the bill and was ready to stake their political existence. The ruling party stood for implementation of the बिल, ठीक है, एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब अगर मैं बात करती हूं, बात चल रही है यहां पे रूलिंग पार्टी की, ठीक है, रूलिंग पार्टी यहां पे क्या एक्ट कर रही है, एक रूलिंग पार्टी की बात चल रही है जो कि जिसने स्टैंड लिया है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, और वो अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, दे आर रेडी टू टेक द पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। नाउ Guys, here ruling party is acting as collective noun. और अगर हम nouns के रूल को याद करें तो collective noun are always singular.
ठीक है, तो यहां पर ये रूलिंग पार्टीज एक्टिंग एज अ कलेक्टिव नाउन, और अगर कलेक्टिव नाउन है और हमेशा सिंगुलर होता है तो भाई यहां पे देयर क्या कर रहा है, इट शुड बी इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है, इट शुड बी इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. हेयर इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है, इट मस्ट बी इन द न्यूटर जेंडर. ठीक है, न्यूटर जेंडर मीन्स इट विल टेक इट्स इन इट्स केस. वैसे भी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह एक्ट करेंगे और वो यूनानिमस सा डिसीजन है तो यहां पे इट्स ही आना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. यस, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम वन्स फ्रेंड्स एज वेल एज क्रिटिक्स. ठीक है, एज वेल एज क्रिटिक्स as Dr. Neil did for his integrity and honesty. देखो यहां पे बात क्या चल रही है, इट इज नॉट इजी फॉर एनी वन कि वो रिस्पेक्ट कमांड करे फ्रॉम दोस्तों से भी, फ्रॉम वंस फ्रेंड्स से ऑल्सो, एज वेल एज अगर मैं फ्रेंड्स के साथ वंस लगा रही हूं तो मैं क्या क्रिटिक्स के साथ वंस नहीं लगाऊंगी. अगर किसी के वन के क्रिटिक्स हैं तो वन के ही फ्रेंड्स है ना, तो यहां पर भी तो ये वंस लिखना जरूरी है टू मेक इट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ठीक है, सो इट इज इन दिस सेंटेंस वंस इज मिसिंग जो कि क्रिटिक से पहले आएगा, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स से पहले अगर वंस लगाया है तो क्रिटिक से पहले भी वंस लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज वन एज मच एज हिज ओन. देखो यहां पे आपका जो वन है ना बच्चे, दैट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यहां पे काम कर रहा है तो वन के लिए वी हैव वन सेल्फ एंड वंस ऑफ इट्स ओन, इसके साथ हिम या हर का कोई भी केस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. यहां पे आराम से आप हिज की जगह लिख सकते हो वंस ओन. इट हैज इट्स ओन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट. जब ये सब्जेक्ट का काम करता है, इसके पास अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव है, तो इसको हिज को लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज द आंसर. एज पर द रूल हिज शुड बी रिप्लेस्ड विद वंस टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट. नेक्स्ट वन, वॉज इट हिम हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग. वॉज इट हिम. देखो एक ना रूल कहता है व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट, जब भी सेंटेंस इट से स्टार्ट करते हो ना और उसके बाद कोई भी फॉर्म बी की कोई भी फॉर्म आ जाए, मेड बी इज एम आर वाज वर, कोई भी बीन बींग, आठ फॉर्म्स हैं इसकी, बीन और बींग, बी बीन बींग इज एम आर वाज वर, जब भी इट के बाद कोई भी बी की फॉर्म आती है तो बच्चे अगर इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है ना तो वो हमेशा किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, अब जब तो सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है तो ये है एक एफर्मेटिव, अगर मैं इसे इंटरोगेटिव में करूंगी तो ऑब्वियसली ये वॉज बाहर आ जाएगा, तो इट शुड बी वॉज इट हिम क्यों आएगा. इट मीन्स एज पर द रूल नॉमिनेटिव केस यहां पे आना चाहिए. वॉज इट ही हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग. So this is the error. As per the rule, the component of the verb to be when expressed by a pronoun should be in the nominative case. Next one. A scientist must follow his hunches and his data wherever it may lead. Dekho. A scientist must follow. Use kya follow karna chahiye? His hunches and his डेटा. यार जब हंचेस और डेटा की बात चल रही है, इट मींस किसी एक चीज की बात नहीं चल रही, ये प्लूरल केस है, प्लूरल नंबर होगा तो वेयर इट मे लीड क्यों, इट नहीं, इट शुड बी दे मे लीड. यहां पे आप इसको प्लूरल लेकर चलोगे तो इट विल गेट चेंज्ड इनटू दे. नेक्स्ट वन, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम. हां जी देखो, बींग डेस्टिट्यूट
I admitted him. देखो, destitute means poor. Being a destitute, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे destitute कौन है? I admitted him to an old people's home, to an orphanage. You can say anything. To an old people's home. Old age home में मैंने किसको admit करवाया? Him को. It means destitute कौन है? देखो, अगर यहाँ पे हम कोई subject पहले नहीं लगाते ना, यहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आया, इसका मतलब बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई, इसका मतलब आई को आपने डेस्टिट्यूट बना दिया. और जब मैंने आई को ही पुअर बना दिया तो इस सेंटेंस का मीनिंग ही गलत हो गया. इट सिंपली मीन्स कि मैंने अगर बीइंग अ डेस्टिट्यूट से पहले कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो इट मीन्स यहाँ पे डेस्टिट्यूट आई को उठा रहा है अपने लिए. डेस्टिट्यूट आई हो गया, लेकिन मैं तो डेस्टिट्यूट नहीं हूं ना, मैंने तो एडमिट किया है उसको. It means he being a destitute, I admitted him to an old people home. I hope it is clear. R is the only country in the world that can boast of unity in diversity. Yes, R is the only country. देखो, pronoun में table याद करोगे तो तुम्हें मैंने बताया था, एक तो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव जो नाउन के साथ लगता है, या आपका पोजेसिव प्रोनाउन आता है जिसको नाउन्स के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती है. तो आर इज द ओनली कंट्री, यहां पे क्या है, आर को आप किसी नाउन के साथ नहीं लिख रहे हो ना. या तो यहां पे लिखोगे आर कंट्री इज द ओनली कंट्री, या तो लिखो आर कंट्री इज द ओनली कंट्री, या लिखो आर्स इज द ओनली कंट्री. या तो पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन लगाओ, या प्रॉपर पोजेसिव प्रोनाउन लगा दो, दोनों में से कुछ एक लगाओ. सीधी क्लेरिफिकेशन, द पोजेसिव प्रोनाउन आर्स विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस इंस्टेड ऑफ आवर टू मेक द सेंटेंस करेक्ट. नेक्स्ट वन, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच. देखो यहां पे ना कुछ वर्ड्स है, फॉर एन एग्जाम्पल एग्जर्ट, रिकनसाइल, अडैप्ट, प्राइड, एंजॉय. एक्विट एटसेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं बच्चे. They will always take reflexive pronoun after them. अब reflexive क्या होता है? Reflexive pronoun वो pronouns हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाए हैं, और आपको इस वीडियो से पहले पिछला लेक्चर जरूर देखना चाहिए जिसमें मैंने बोला था कि जिसमें self और selves लगता है, जिन pronouns में self और selves end होता है, जैसे pronouns में myself, ourself, ourselves, ये वाले प्रोनाउन होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये वाले जो वर्ड्स है ना, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा ही लगेगा. अब क्वेश्चन क्या उठता है, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा? लास्ट समर ही वेंट, ही सब्जेक्ट क्या है, ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच. See the explanation. It is himself. Let's move to next question. If I were him, I would have taught those cheats a lesson. Yes. If I were him. देखो, अगर मैं उसकी जगह पे होता, मतलब आप imagine कर रहे हो. अगर मैं उसकी जगह पे होता, मतलब I am imagining. Imagining, this is imaginary sentence. This is imaginary sentence. एक तो conditional sentence है, if लगा है, एक है imaginary sentence. Imaginary sentence में पहली बात जो याद रखने वाली है, subject चाहे singular है, subject चाहे plural है, चाहे वे imagine कर रहे हैं, चाहे वो एक अकेला imagine कर रहा है, हमेशा वह रहेगा. पहला point नोट करने वाला. दूसरी बात, इट विल ऑलवेज टेक नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन.
इफ आई वर हिम नहीं, इफ आई वर ही. लेट्स सी द वर्ब वर व्हेन एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रोनाउन इट शुड बी इन द नॉमिनेटिव केस. यस, इफ आई वर ही ना कि हिम. नेक्स्ट, had I come to know about his difficulties, I would have certainly helped. Yes. देखो 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 कहां एरर नजर आ रहा है. Had I come to know about his difficulties, I would have certainly helped. Guess करो, apply your mind. Guys, देखो. Had I come to know about his difficulties, अगर मैंने उसकी difficulties के बारे में मुझे पता होता, I would have certainly helped. भाई किसको help करना है? I would have certainly helped him. Surely help करता किसकी? उसकी. ये अपना object भी तो लेगा at the end. इसलिए यहाँ पे him लिखना जरूरी है. Next one. One of them forgot to take their bag from the school. One of them. One out of many. ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया. One out of many. मैम प्रोनाउन का एरर तो नहीं है यहाँ पे, है ना. One of हमेशा प्लूरल नाउन में से होता है, लेकिन है तो वन ही है, तो सिंगुलर ही. अगर सिंगुलर है तो देयर बैग क्यों आएगा? अगर सिंगुलर है तो देयर बैग नहीं, हिज बैग. नेक्स्ट वन, सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट एफिशिएंटली. अभी अभी बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता ही लगता है. दे विल ऑलवेज टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर द प्रोनाउन्स विच एंड विद सेल्फ और सेल्फ्स. गाइज, जैसे ही क्वेश्चन आता है, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन. अगेन, अभी बताया था अवेल, एक्विट, रिकंसाइल, अडैप्ट, एंजॉय. दे विल ऑलवेज टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. भाई कहां पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? नहीं है. अब देखो लगेगा कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे. योर तो आ गया, यहां से आपको हिंट मिल गया. यहां से हिंट मिल गया कि बात चल रही है यू की. तो यहां पर आ जाएगा अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस. Avail yourself of every chance that comes your way. Next one. Question number 15 says, it was with great difficulty that each of the brothers could get their share of property. देखो, मैंने ना each का example बताया था किसमें? Each as an example किसमें? Distributive pronouns में. और मैंने एक और बात बोली थी distributive pronouns में, कि जो distributive pronouns होते हैं, they are always सिंगुलर. और अगर सिंगुलर होते हैं तो फिर यहां पे हम देयर क्यों लगा रहे हैं? दे आर ऑलवेज सिंगुलर, तो वहां पे आएगा हिज. इट इज हिज. ईच ऑफ टेक्स अ सिंगुलर प्रोनाउन, सो देयर शुड बी रिप्लेस्ड बाय हिज. नेक्स्ट वन, दे दैट रन आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड. देखो यहां पे ना हम इशारा कर रहे हैं. वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, एक पर्टिकुलर क्राउड की तरफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. प्लूरल केस, पहले तो बहुत सारे बंदे हैं और उनके हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करती हूं ना, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दिस सिंगुलर के केस में यूज होता है, दैट सिंगुलर के केस में होता है, दीज प्लूरल और दोज प्लूरल. क्या फर्क है? कि जो दिस और दीज है, जब कोई चीज आपके पास है जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो आप दैट और दिस और दीज लगाओगे, और अगर दूर है तो आप लगाओगे दैट एंड दोज. अब हम इशारा कर रहे हैं वो, दोज दैट रन आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी disappointed. They need to be replaced by those. Next one. One should take care of one's belongings himself. Again,
मैंने कहा जब वन ही आ गया एंड व्हेन एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस तो हमें भाई ही से कुछ चुराने की जरूरत नहीं है, वन के पास अपना वन सेल्फ और वंस है, अपना प्रोनाउन और अपना एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। देखो सिंपल सी बात, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मदद करता है, मतलब वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा, हां जी लगेगा, बिल्कुल ठीक है। आगे मैंने बोला हु हेल्प्स देमसेल्व्स, देमसेल्व्स का मतलब मैं प्लूरल बात कर रही हूं, सब्जेक्ट यहां पे प्लूरल आ गया, प्लूरल के रिस्पेक्ट में हेल्प्स लगाने की क्या जरूरत है, फिर तो सिंपल वी वन आएगा ना बच्चे, इट शुड बी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट वन, द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर। अच्छा देन योर, देखो जो फोन मेरे फादर लाए वो डिफरेंट है देन किससे, योर, योर व्हाट, तुम्हारा क्या, या तो यहां पर लिखो देन योर्स, तुम्हारे वाले से, या तो लिखो योर्स या लिखो योर फोन, या तो पजेसिव प्रोनाउन लगाओ या पजेसिव एडजेक्टिव विद नाउन लगाओ। Let's see. Yes. Your is a possessive adjective, whereas yours is the second person. ठीक है, तो यहां पे या तो your के साथ noun लगाओगे या फिर yours लगा दोगे। ठीक है, I hope this is clear. Next one. To the next question. He has lost all what I gave him. He has lost all what I gave him. All. देखो ऑल के साथ हमेशा दैट लगेगा, मीन्स ऑल विल ऑलवेज बी एकम्पनीड बाय दैट, ना कि व्हाट। ही हैज लॉस्ट ऑल, उसने वो सब खो दिया जो मैंने उसे दिया था, और जो को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल बी यूजिंग दैट आफ्टर दिस, इट इज दैट आई गेव हिम। नेक्स्ट वन, The book, although written in bad English, makes a few interesting observations which needs to be highlighted. ठीक है, देखो the books, although written in bad English, makes a few interesting observations which needs to be highlighted. देखो which needs to be highlighted, इसका मतलब जो यहाँ पे needs लिखा है वो किसके लिए लिखा है, makes a few interesting observations, जिनको हाईलाइट करने की जरूरत है। तो बच्चे जब ऑब्जर्वेशन हमारा प्लूरल केस है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगाने की तो जरूरत ही नहीं है ना, इट शुड बी नीड ना कि नीड्स। क्यों? क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आता है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द वर्ड विच हैज ऑलरेडी बीन रिटन बिफोर इट। तो जो भी इसके एंटीसीडेंट वर्ड है दैट इज ऑब्जर्वेशंस, वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, इट शुड बी नीड टू बी हाईलाइटेड। नेक्स्ट वन, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। This is the only one of his poems that is worth reading. यहाँ पे थोड़ा सा error है. Guys, this is not B. This is B. This is B. First thing. एक minute. Just a second. This is B, this is C, this is D, और यहां पे एक साथ में आएगा no error, जहां पे आएगा E. This is the A part है, this is the only one of his poems that is worth reading. आपको लग रहा है कोई एरर नजर आ रहा है? दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स, वन ऑफ हिज पोएम्स ओके दैट इज वर्थ रीडिंग। यस लेट्स सी, यस ऑब्वियसली देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। गाइस देयर इज नो एरर इन दिस
क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट वन, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल. ओके एवरीवन, एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने आपके जब प्रोनाउंस डिस्कस किए थे ना तो उसमें इनडेफिनिट केस डिस्कस किया था. इट इज एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम. जब मैं बात एवरीवन हर एक इंसान की कर रही हूं तो मैं उसके साथ प्रोनाउन है वो प्लूरल कैसे लगा लूंगी, देयर फुल नेम कैसे लगा लूंगी. इट शुड बी हिज फुल नेम. ओके नेक्स्ट वन, ही शी एंड आई या ही शी आई एंड दे कुक्ड द फूड. देखो ही शी आई एंड दे कुक द फूड. व्हेन एवर अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस आर देयर इन द सेंटेंस. नाउ व्हाट आई मीन बाय अलग अलग टाइप, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ये कैसे भी हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तीनों के तीनों भी एक सेंटेंस में आ सकते हैं. जब सेंटेंस एक नॉर्मल पॉजिटिव सा बोल रहा है, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव नहीं कहूंगी, पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस लिखा गया है जहां पे कभी कोई गिल्ट या मिस्टेक या कुछ एडमिट या एक्सेप्ट करने वाला स्टेटमेंट नहीं है, देन द ऑर्डर ऑफ पर्सन शुड बी 2 3 1. इट शुड बी 2 3 1. तो हम देख रहे हैं यहां पे सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, यहां पे सेकंड पर्सन नहीं है, तो इट शुड बी ही शी दे को इकट्ठा कर दो और आई शुड बी एट द एंड. ठीक है, इट कैन बी ही शी दे एंड आई, मतलब थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा क्योंकि सेकंड पर्सन तो है नहीं, तो वो उससे भी पहले लगता. तो दिस इज द एरर. ऑर्डर ऑफ पर्सन शुड बी देयर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पर्सन शुड बी देयर. नेक्स्ट वन, When we reached there, nobody was in the house. Yes. जब हम वहां पहुंचे वहां पर कोई भी नहीं थे, इसका तो यही मतलब हुआ ना, वहां पर कोई भी नहीं थे. वर क्यों, nobody लगा है, nobody के साथ वर लिखने की जरूरत है? No. So error is in part C. Nobody was in the house. So guys, with this we are done with pronouns. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरी थ्योरी डिस्कस की थी, पूरे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और उसके साथ केसेस ऑफ प्रोनाउंस डिस्कस किए थे, और इस लेक्चर में हमने प्रोनाउंस और प्रोनाउंस के रूल्स कवर किए हैं. आई होप दिस क्लासेस आर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट 8558000333. Even you can join us on our Telegram channel, that is Nimbus Defense Academy. Okay, so all the best guys, see you in our next video lecture. Thank you.